दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फुटबॉल की, क्योंकि देखा गया है कि TGT और PGT में और राजस्थान के जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ पूछा जा रहा है। तो हम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेके एक एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस गेम का कब शुरुआत हुई, क्या उसके मेजरमेंट्स है और उसमें कौन कौन सी ट्रॉफीज खेली जाती हैं। तो आज हमने सेलेक्ट किया फुटबॉल को, तो आइए देखते हैं फुटबॉल को। सबसे पहले फुटबॉल जो है वो मिस्र में खेला गया। मिस्र में इसे हरपास्कलोन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये धीरे धीरे चीन में फैला, चीन में इसका प्रसार प्रसार हुआ और चीन में ये 300 BC से 500 AD तक वहां पे रहा, फुटबॉल खेला गया। वहां पे इसको जो है वो सूचू के नाम से जाते थे। सूचू अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पुराना नाम मिलेगा सूचू। इसका अर्थ होता है पैर से गेंद मारना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जो है इंग्लैंड को फुटबॉल का जनक माना जाता है, मतलब फुटबॉल इंग्लैंड से जन्मा है ऐसा माना जाता है। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। उस समय जो है हर मंगलवार को यहाँ पे बड़े फुटबॉल दिवस, महान फुटबॉल दिवस के रूप में हर मंगलवार को मनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद और आगे चलेंगे तो 24 अक्टूबर डेट आती है, 24 अक्टूबर 1857। इस डेट को दुनिया का सबसे पहला क्लब बना, ठीक है। वो क्लब कौन सा था? शेफील्ड क्लब। उसके बाद दुनिया का सबसे पहले जो संगठन था फुटबॉल का वो बना, उसका नाम था LFA का फुल फॉर्म था लंडन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। LFA ये बना 1863 में, ठीक है। इसके आते हैं बात करते हैं पहले प्रतियोगिता या पहले कप की। जो सबसे पहला खेला गया कप था उसका नाम था FA कप, जो 1871 में खेला गया। ये आज भी खेला जाता है और ये एक नॉकआउट प्रतियोगिता होती है, ठीक है। FA कप इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन कप, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम धीरे धीरे आगे और फिर हम बात करते हैं फुटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े संगठन की, फीफा की, ठीक है। जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी कहते हैं, फीफा इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 21 मई, इसका जो गठन हुआ वो था 21 मई 1904 को, ठीक है। कहां पे हुआ? पेरिस में, ठीक है। इसको गठन करने में सात देश शामिल थे, 7 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद इसके जो फीफा के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे श्री गुरीन, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि सबसे पहला फीफा कब खेला गया। तो सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप जो था 1930 में कहां खेला गया? उरुग्वे में, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में, ठीक है। इस प्रतियोगिता में, इस वर्ल्ड कप में उरुग्वे ही विजेता रही, जिसने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। उस समय जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिलती थी उसका नाम था
जूस रिमेट ट्रॉफी, आपने अगर पढ़ा होगा तो इसको सुना होगा, जूस रिमेट ट्रॉफी। फीफा में उस समय जो ट्रॉफी मिलती थी उसका नाम था जूस रिमेट। तो अभी जूस रिमेट कौन है, आइए इसको जान लेते हैं। ये जो जूस रिमेट है, ये जो है आपके थर्ड प्रेसिडेंट थे फीफा के, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही लंबा था, मतलब फीफा के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो जूस रिमेट का था। कार्यकाल था वो था 1921 से लेके 1954 तक, ठीक है। इसी के साथ साथ जो जूस रिमेट थे ये फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट थे। फ्रेंच फुटबॉल के प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल था 1919 से 1942 तक, ठीक है। ये जो सारा खाका है ये जूस रिमेट का था। एक और बात थी, जो फीफा का संगठन हुआ उसमें सबसे अहम भूमिका जो थी वो जूस रिमेट की थी। तो इनके सम्मान में, इनके इनको सम्मान देने के लिए वर्ल्ड कप में जो पहली ट्रॉफी थी वो इन्हीं के नाम पे रखी गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आइए देखते हैं आगे, इसको रैप कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि फीफा का मुख्यालय कहां है। तो आपका फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सबको। उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड कप का जो आयोजन होता है, यानी जो फीफा होती है इसका आयोजन हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ठीक है। तो ओलंपिक में शामिल किया गया 1908 के लंदन ओलंपिक्स में, ठीक है। 1908 के लंदन ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया, ठीक है। ये हो गई हम लोग की आउट ऑफ इंडिया की बात, मतलब एट द वर्ल्ड लेवल। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जो है वो सबसे पहले जो संगठन बना वो था AIFF, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, लिख देते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो था 23 जून 1937, ठीक है। इसका जो गठन था वो 23 जून 1937 को था और ये बना था शिमला के हेडक्वार्टर में, ठीक। उसके बाद देखते हैं फुटबॉल एशियन गेम में कब शामिल किया गया, ठीक है। तो एशियन गेम्स में फुटबॉल 1951 में शामिल हुआ, ठीक। उसके बाद जो है भारत ने 1951 में ही एशियन गेम में फुटबॉल में गोल्ड जीता, ठीक है। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि, और ये एशियन गेम जो थे उस समय दिल्ली में थे सबसे पहला, ठीक है। फिर एशियन गेम में 1962 में इन्होंने गोल्ड जीता जकार्ता में। उसके बाद इन्होंने 1970 में ब्रॉन्ज जीता,
भारत ने, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला जो मैच था वो 1948 में, 48 के ओलंपिक में खेला, ठीक है। स्वतंत्र भारत ने सबसे पहला मैच 1948 में खेला, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद आता है 1948 से लेकर 1960 तक या 62 तक, इस पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं AIFF का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। AIFF का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जो है, जो फर्स्ट अर्जुन अवार्डी थे फुटबॉल में वो कौन थे, अर्जुन अवार्डी, इनका नाम था पीके बनर्जी। ये उस समय के बहुत ही आराधनीय खिलाड़ी थे, इनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से, अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। भारत की जो नेशनल टूर्नामेंट ट्रॉफी है उसका नाम जो है वो है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये भारत की नेशनल ट्रॉफी है। उसके बाद फुटबॉल स्टेडियम जो है वो भारत में कहां है, तो हमारे पास दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं, एक है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, दूसरा है आपके पास अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हम लोग के हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की, ठीक है, ये जो है ये हम लोग का एक सुनहरा इतिहास रहा है फुटबॉल का, भारत का। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स को और ट्रॉफीज को, ठीक है, तो आइए देखते हैं मेजरमेंट्स को। मेजरमेंट्स, अब हम फुटबॉल के मेजरमेंट्स को समझेंगे कुछ, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इसकी लंबाई। लंबाई जो इसकी होती है वो 100 से 130 यार्ड होती है, यार्ड को हम यहां पे YRD से शो कर रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जो चौड़ाई है वो है आपके पास कितनी, 50 से 80, 50 to 80 यार्ड्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मानक जो कहती है, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो किस ग्राउंड पे होते हैं, वो होते हैं लेंथ पे, इंटरनेशनल मैचेस इंटरनेशनल फील्ड कर लेते हैं, ये होते हैं 120 × 80 या 110 × 70 यार्ड, ठीक है। इसके बाद आता है गेंद की परिधि, ठीक, तो जो गेंद की परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल परिधि, ये होती है 27 इंच से 28 इंच तक, ठीक है, ये इंच का साइन है। इसका जो वजन होता है, आपका जो बॉल का वेट होता है, वेट आपका होता है 396 से 453 ग्राम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें जो टोटल प्लेयर्स होते हैं आपके पास, प्लेयर्स आपके पास टोटल 16 होते हैं,
जिसमें से 11+5 के रेशियो से खेलते हैं, 11 प्लेइंग प्लस 5 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्नर्स पे फ्लैग लगे होते हैं उसकी जो हाइट होती है वो होती है आपकी 5 फीट, ठीक है, जो आपके चारों कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। जो गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट की जो लंबाई होती है, लंबाई होती है 8 यार्ड और जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 फीट, ठीक है, याद रहेगा। इतना ही है हमारे पास बेसिक। आइए इसको बना के डायग्राम शो करते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। मान लीजिए आपके फुटबॉल ग्राउंड हो गया, ये आपके 4 फ्लैग्स हो गए, 5 फीट ईच, ठीक है, सारे आपके 5 फीट के हो जाएंगे। सबको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद एक सेंटर लाइन पास होता है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद ये यहां पे एक सर्कल बना होता है, ये एक आपका सर्कल होता है जिसका रेडियस जो होता है वो 10 यार्ड होता है, 22 यार्ड होगा, जगह छोटी इसलिए आपको दिखाने के लिए बस। ये जो इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लंबाई है जो 110 से 120 मान लीजिए इंटरनेशनल मानक पे, ठीक है। यहां पे इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है, इसको 70 से 80 मान लेंगे यार्ड में, ठीक है, ये भी यार्ड में आपका, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सबको। अब आते हैं गोल पोस्ट पे, ये आपका हो गया गोल पोस्ट जिसकी ऊंचाई हमें कितनी बताई थी, ऊंचाई हो गई आपकी 8 फीट, ठीक है, और ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ यहां से यहां तक है लाइन, इसी को हम यहां पे देख लेते हैं, जो लेंथ है आपकी वो हो जाएगी कितनी, 8 यार्ड। गोल पोस्ट के बाद देखते हैं आता है आपके पास पेनल्टी एरिया। ठीक है, पेनल्टी एरिया की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो होती हैं आपकी 18x44, ठीक है, ये क्लियर है। 18 यार्ड आपका लंबा हो जाएगा और 44 यार्ड चौड़ाई। जो पेनल्टी स्पॉट होता है वो गोल पोस्ट से 12 यार्ड की दूरी पे होता है, ठीक है, यहां से आपको पेनल्टी किक मिलती है, इतना समझ में आ गया। उसके जो झंडे हैं आपके वो 5 फीट के हो गए, आपका हो गया लेंथ हो गई आपकी, आपकी ब्रेथ हो गई, विड्थ, उसके आपका गोल एरिया हो गया, गोल पोस्ट, उसके आपका पेनल्टी हो गया और आपका पेनल्टी एरिया हो गया। उसके बाद एक यहां पे चीज आ जाती है गोल एरिया, ये हो गया गोल एरिया, इसके जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं 6 यार्ड बट 20 यार्ड, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर गोलकीपर कहीं से भी बॉल पकड़ सकता है आपका, ठीक है, इसको कहते हैं गोल एरिया, ये है पेनल्टी एरिया, ठीक है, ये हो गया पेनल्टी एरिया, ये हो गया आपका गोल एरिया, ये आपका हो गया गोल पोस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैग, ये हो गया आपकी सेंटर लाइन, ठीक है, ये सारा हो गया आपको। इसके अलावा इसमें हम ज्यादा कुछ जाने के लिए है नहीं, तो ये हमारे मेजरमेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं ट्रॉफीज को, ठीक है, ट्रॉफीज देखते हैं। ट्रॉफीज
सबसे पहले बात करेंगे नेशनल ट्रॉफी की, तो हमारी नेशनल जो ट्रॉफी है फुटबॉल की उसका नाम है संतोष ट्रॉफी। नेशनल ट्रॉफी ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई, ये हुई 1941 में ठीक है। इसके आता है जूनियर नेशनल ट्रॉफी ठीक है, तो जूनियर जो नेशनल ट्रॉफी है वो है डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, ये है जूनियर नेशनल ट्रॉफी ठीक है। उसके आ जाता है नेशनल वुमेन्स ट्रॉफी, इसका नाम है रानी हजरत महल ट्रॉफी, यह है वुमेन्स का वुमेन्स नेशनल ट्रॉफी ठीक है। उसके आता है भारत की सबसे प्राचीन प्रतियोगिता, बात करें सबसे प्राचीन कप है वो है डरन कप, इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में शिमला में ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास रोवर्स कप, यह मुंबई में खेली जाती है, ठीक है, ये 1891 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है आईएफए शील्ड, आईएफए शील्ड इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो था 1893 में कोलकाता में ठीक है। इसके बाद एक और अपने पास ट्रॉफी थी जिसका नाम था डीसीएम ट्रॉफी, इसको 1945 में स्टार्ट किया गया दिल्ली में ठीक है। तो ये सारे जो है वो कुछ भारत की महत्वपूर्ण ट्रॉफीज हैं जो खेली जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रॉफीज के नाम हैं जो अगर याद रहेंगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऐसी बहुत सारे आपके पास ट्रॉफीज हैं, फिलहाल इतना ही देखते हैं। तो ये आपके हो गए ट्रॉफीज, तो हमने आपको आज इतिहास के बारे में बताया फुटबॉल के, उसके मेजरमेंट्स के बारे में बताया और आपको ट्रॉफीज के बारे में बताया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट स्पोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।